In this session, I'll discuss the brief overview of compiler design. जैसा कि हम जानते हैं कि compiler एक high level language program को low level language program में translate कर देता है. Okay? तो ये काम compiler कैसे various phases में तोड़ देता है वो हम देखेंगे. Okay? और in the remaining lectures, इन्हीं phases पर detailed discussion होगा. Okay? तो यहां पर मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम पहली फेज है लेक्सिकल एनालाइजर और इसको इनपुट मिलता है मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम. ये मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम मिलता है प्री प्रोसेसिंग करके. ओके तो इसीलिए इसको प्री प्रोसेस्ड कोड भी आप बोल सकते हो. कुछ लोग इसको प्योर एचएलएल भी बोलते हैं. ओके लेक्सिकल एनालाइजर की जॉब क्या है? जो प्रोग्राम में वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको उनमें से वैलिड वर्ड्स को चेक करना और उनको प्रोड्यूस करना आउटपुट में, ये लेक्सिकल एनालाइजर की जॉब है. ओके वैलिड वर्ड्स को आप टोकन भी बोल सकते हो. तो यहां पर आउटपुट में स्ट्रीम ऑफ टोकन्स आ गया. नाउ द जॉब ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर स्टार्ट. सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है? सिंटैक्स को चेक करता है. ओके कैसे चेक करेगा? इनपुट में स्ट्रीम ऑफ टोकन्स लेगा और साथ में एक इनपुट और लेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहां से मिलती है? किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी सिंटैक्स हैं उनके रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है. ओके और उसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को यह इनपुट में लेगा और दोनों की हेल्प से जनरेट करेगा पार्स ट्री. ओके नाउ सिमेंटिक एनालाइजर विल कम इनटू द पिक्चर. सिमेंटिक एनालाइजर क्या चेक करेगा? इट विल वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्राम. मींस कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको जो अब तक चेक नहीं हो पाई हैं, जैसे कि टाइप चेकिंग. जैसे कि एक वेरिएबल यूज किया जा रहा है, क्या यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर कर दिया गया है? तो इस तरह की जो भी एनालिसिस होगी, चेकिंग होगी, उसको सिमेंटिक एनालाइजर में किया जाएगा. सिमेंटिक एनालाइजर ये चेकिंग कैसे करता है? इनपुट में पार्स ट्री लेता है और साथ में सिंबल टेबल का एक्सेस होता है. सिंबल टेबल स्टोर कराती है सोर्स प्रोग्राम के जितने भी नेम्स के रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है, लाइक टाइप, स्कोप, कॉन्स्टेंट एक्सेट्रा. ओके और यहां से सिमेंटिक एनालाइजर जनरेट करेगा आउटपुट में अनोनेटेड पार्स ट्री. नाउ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज क्या करेगी? जो यहां से अनोनेटेड पार्स ट्री मिला है इसके करेस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देगा. इंटरमीडिएट कोड लिखने के कई तरीके हैं, उनमें से जो सबसे वाइडली यूज्ड है वो थ्री एड्रेस कोड है. ओके इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज इसलिए यूज की गई कि पोर्टेबिलिटी बढ़ानी थी. ओके अब इसके बाद आता है मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन. मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा? जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, जो इंस्ट्रक्शंस को इंटरमीडिएट फॉर्म में लिख दिया गया है, क्या उन इंस्ट्रक्शंस को समहाउ और इफिशियंट बनाया जा सकता है? Either by reducing the number of instructions or or in some other way. तो ये काम है मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन का. यहां पर रिड्यूस्ड मीन्स ऑप्टिमाइज्ड IR रिप्रेजेंटेशन में आउटपुट आ चुका है. ओके अब ये क्या करेगा? नेक्स्ट है कोड जनरेशन फेज. कोड जनरेशन फेज असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगी. अब असेंबली कोड कई तरह के होते हैं, आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होते हैं. तो बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जिसमें आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए ये टारगेट मशीन कोड या आप कह लीजिए असेंबली कोड जनरेट कर देगा. नाउ मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन आता है. मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कि अगर
जो असेंबली लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, क्या इन इंस्ट्रक्शंस को समहाउ और इफिशियंट बनाया जा सकता है? तो मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी होती है तो वो उसको और इफिशियंट बना देता है। एंड फाइनली आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कोड जनरेट हो जाता है। ओके, ये सारी की सारी फेजेज सिंबल टेबल से कनेक्ट करती हैं। ओके, और इधर एरर हैंडलर से भी कनेक्ट करती हैं। सिंबल टेबल में सोर्स प्रोग्राम के कंस्ट्रक्ट को स्टोर कराया जाता है और ये फेजेज उसको यूज भी करती हैं, उस इंफॉर्मेशन को। एरर हैंडलर की जॉब क्या है? एरर हैंडलर अगर प्रोग्राम में किसी तरह की कोई, किसी फेज में किसी तरह की कोई एरर डिटेक्ट होती है तो एरर हैंडलर उस एरर को रिपोर्ट करता है यूजर को। ओके, और अकॉर्डिंगली एक्शन उस पर लिए जाते हैं, या कह लो कि ऑप्टिमाइज असेंबली कोड जनरेट हो चुका है। ओके, अब हम इन सारी फेजेस को एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इन दिस एग्जांपल आई एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ईच फेज ऑफ कंपाइलर। ओके, एज्यूम दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम। ओके, तो अब ये प्रोग्राम लेक्सिकल एनालाइजर को इनपुट में गया। तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम क्या था? आइडेंटिफाइंग फाइंड वैलिड वर्ड्स और यू कैन से टोकन्स इन अ गिवन प्रोग्राम। ओके, तो ये काम कैसे करता है? कहता है लेक्सिकल एनालाइजर इसके एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को किसी पैटर्न से मैच कराता है। पैटर्न क्या होता है? एक रेगुलर एक्सप्रेशन। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पैटर्न्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ओके, जैसे कि पैटर्न फॉर या रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर आइडेंटिफायर्स, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर कीवर्ड्स, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर पंचुएशन सिंबल्स, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नंबर्स, फॉर स्ट्रिंग, फॉर कैरेक्टर्स, फॉर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, फॉर कंपेरिजन ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। ओके, तो इन सब का जो पैटर्न होगा और इधर से क्या करेगा, एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रीड करेगा और ये एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को इस पैटर्न से मैच कराएगा। अगर मैचिंग हो गई तो उसके रिस्पेक्टिव वो टोकन जनरेट हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि यहां पर ये पढ़ना स्टार्ट किया WHILE और उसके बाद आप यहां चाहें तो स्पेस रख सकते हैं और चाहें तो ये ओपन पैरेंथेसिस रह सकती है। ओके, इन बोथ द केस ये पैटर्न इस तरह पे डिजाइन किए जाते हैं, इनका कोड इस तरह से लिखा जाता है कि अगर किसी तरह के वाइट स्पेस हो, न्यू लाइन हो, टैब हो, ब्लैंक हो, ठीक है, या कमेंट, अगर कमेंट हो तो लेक्सिकल एनालाइजर उन सारी चीजों को हैंडल कर लेता है। ओके, तो यहां पर जैसे ही मैक्सिमल मैच मिलेगा वॉइल का तो उसके रिस्पेक्टिव एक कीवर्ड नाम का टोकन जनरेट कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस एक टोकन बन जाएगा, ये यहां पर आ गया। ए एक वेरिएबल नेम था, आइडेंटिफायर था, तो उसके रिस्पेक्टिव आइडेंटिफायर आ गया। ये ग्रेटर देन अभी कंपेरिजन ऑपरेटर है तो ये अकेला एक टोकन बन गया। बी अलोन इज अ आइडेंटिफायर टोकन और इस तरह से क्लोजिंग ये इस तरह से। तो इस तरह से पूरे सोर्स प्रोग्राम में क्या करेगा, उसके जितने भी टोकन्स हैं उनको उस स्ट्रीम ऑफ टोकन्स इसको प्रोड्यूस कर देगा फॉर सिंटैक्स एनालाइजर। एक्चुअल में ये लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटैक्स एनालाइजर पैरेलल वर्क करते हैं। पैरेलल मींस सिंटैक्स एनालाइजर लेक्सिकल एनालाइजर को रिक्वेस्ट करेगा कि टोकन सेंड करो एंड लेक्सिकल एनालाइजर विल सेंड द टोकन और ये साइकिल में काम चलता रहेगा। जैसे ही एक सेंटेंस कंप्लीट होगा सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर विल ट्राई टू पार्स द मींस इनकमिंग इनपुट स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा और उसको पार्स करेगा। ओके, तो यहां से इस प्रोग्राम के रिस्पेक्टिव ये पूरे टोकन आ चुके हैं, इसको इनपुट में लिया और यहां से इस
प्रोग्राम के लिए जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो ये है। क्या है इस पूरी बात को एक सेंटेंस कहा गया है, सेंटेंस ड्राइव्स व्हाइल ओपनिंग, ये बूल करके बी एक हमने क्या किया है वेरिएबल लिया है और ये यहां पर स्टेटमेंट जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से ये ग्रामर क्या करेगी, ये ग्रामर इस प्रोग्राम को जनरेट करेगी। यहां से अब इसको इसके लिए जो पार्स ट्री बनता है वो इस तरीके से एक पार्स ट्री बन जाता है। सिंटैक्स एनालाइजर का काम था सिंटैक्स चेकिंग करना, अगर इस गिवन इनपुट स्ट्रिंग के लिए ये इस तरह का पार्स ट्री सक्सेसफुली बना पाता है, इसका मतलब इसके इस प्रोग्राम के सिंटैक्स में कहीं कोई एरर नहीं है। अगर ये पार्स ट्री ना बना पाता इसका मतलब देयर इज सम एरर इन द सिंटैक्स, तो सिंटैक्स एरर करके एरर जनरेट होती। ओके, यहां तक का ये काम हो चुका है। अच्छा, यहां पर और एक बात बता देता हूं, लेक्सिकल एनालाइजर हो सिंटैक्स एनालाइजर हो, ये कंटिन्यूअस इंटरैक्ट करते हैं सिंबल टेबल से, तो इनको अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है सिंबल टेबल में तो वो पैरेलली करते रहते हैं। ओके, जैसे लेक्सिकल एनालाइजर ने जो प्रोग्राम में जो नेम थे उनकी इंफॉर्मेशन को सिंबल टेबल में स्टोर कराया था। ओके, जैसे कि यहां पर एक अजम्पशन ले लेते हैं इस प्रोग्राम में कि ए बी एक्स वाई जेड जो वेरिएबल यूज किए गए हैं, मैंने तो नहीं किया है, अजम्पशन ले लेते हैं कि यहां पर ये वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, तो जैसे ही लेक्सिकल एनालाइजर उनको पढ़ेगा तो वैसे ही ए बी एक्स वाई जेड तीन इन सबके रेफरेंस में या ए बी एक्स वाई जेड के रेफरेंस में इंफॉर्मेशन जो होगी इनको स्टोर करा देगा सिंबल टेबल में। मींस वेरिएबल का नेम स्कोप टाइप एक्सेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब उसमें स्टोर करा देगा और फ्यूचर में उसको इस्तेमाल करेगा। तो यहां से सिंटैक्स एनालाइजर के लिए हमारे पास ये पार्स ट्री जनरेट हो चुका है। यहां ये देख लेते हैं कि क्या ये पार्स ट्री करेक्ट है। अभी ये कैसे चेक करते हैं, इस पार्स ट्री की ट्रैवर्सिंग करते हैं प्री ऑर्डर में, क्या बिल्कुल प्रोग्राम जनरेट हो जाता है। अगर ऐसा है इट मीन्स सिंटैक्स इज करेक्ट। तो हम यहां से स्टार्ट होते हैं एस, ये पहले वाइल आया, ये देन ओपनिंग आया, ये देन यहां पर ये क्या है ए है, ये बी है, यहां पर अगर देखें तो एक्स वाई जेड और यहां पर ए ए और एक्स इस तरह से हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफायर ही लिखा जाएगा। तो यहां से ए आया, इसके बाद ये बी आया, तो यहां तक देखिए यहां तक एकदम करेक्ट है और इसके बाद ये यहां पे गया, क्लोजिंग भी करेक्ट है। आप इस तरह पे घुमाते जाइए इसको प्री ऑर्डर में ट्रेवर्सिंग करते जाइए, यू गेट एग्जैक्टली दिस प्रोग्राम मींस द सिंटैक्स इज करेक्ट। नाउ दिस पार्स ट्री विल बी द इनपुट फॉर सिमेंटिक एनालिसिस। ओके, फॉर सिमेंटिक एनालाइजर, और सिमेंटिक एनालिसिस में क्या चेक किया जाता है, सिमेंटिक एनालिसिस में चेक किया वेरीफाई किया जाता है मीनिंग ऑफ प्रोग्राम, मीनिंग ऑफ प्रोग्राम या सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ सिंबल टेबल एंड पार्स ट्री। तो पार्स ट्री तो वहां से यहां इनपुट आ गया और साथ में ये सिंबल टेबल में एंट्रीज फिल्ड थी। अब सपोज करो मैं बात करूं कि किस तरह की मीनिंग को चेक करता है, तो जैसे अगर मैं कहूं कि टाइप चेकिंग करनी है, अगर टाइप मिसमैच है इसका मतलब कोई सेंटेंस लिखा है और उसका टाइप मिसमैच है इसका मतलब सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है। ओके, तो यहां पर देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। मैंने एक अजम्पशन लिया था कि ए बी एक्स वाई जेड ऑल आर स्टोर्ड इन द सिंबल टेबल एंड विद देयर रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। तो यहां से देखते हैं कि यहां से अगर इस वेरिएबल को देखें तो ये क्या था इंट, ये वेरिएबल क्या था, ये भी आइडेंटिफायर ये भी क्या था इंट था, क्यों, क्योंकि ये बूल वाले के लिए थे ए ग्रेटर देन बी के लिए, तो ये ए है ये बी है। इसको भी मैं यहां लिख देता हूं एक्स वाई जेड और यहां पर ये क्या है ए ए और एक्स। ओके, तो यहां पर देखिए ये इंट है और ये इंट है। अब ये कैसे पता चले कि ये दोनों इंट है, इस आईडी के रिस्पेक्टिव सिंबल टेबल में इसका यहां पर लाइन नंबर भी स्टोर कराया गया, जिस सिंबल टेबल में
सिंपल टेबल में इस ए की पोजीशन क्या है, वहां से डायरेक्ट इसके इसका ये टाइप देखा जा सकता है। सिमिलरली इसके लिए भी, अब इंट और इंट का कंपैरिजन हुआ है, कंपैरिजन के बाद इसके टाइप को नेट जो रिजल्टिंग जो टाइप आ रहा है वो यहां स्टोर कराया गया, तो इनका रिजल्टिंग टाइप क्या आएगा, बूल बुलियन करके इसका रिजल्टिंग टाइप आएगा। और चूंकि एक नया वेरिएबल निकल के आया है और इसलिए ये रिजल्टिंग जो एक्सप्रेशन है इसका टाइप इसको स्टोर कराया जाएगा सिंपल टेबल। ओके, इसके बाद ये यहां से ये देखो यहां पर आता है एक्स, आइडेंटिफाई एक्स आता है, तो ये इसका टाइप अभी क्या है, ये इसके एक्स का सिंबल टेबल में जो पोजीशन है वो हमको गिवेन है। ओके, हमने एक्सेस कर रखी है यहां पर, वो आइडेंटिफायर है, तो वहां पोजीशन हमने क्या देख लिया कि वो इंट टाइप का है। अभी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग चल रही है, यहां पर गया, यहां पर भी इसको क्या पता चला कि ये भी इसका टाइप इंट है रिस्पेक्टिवली इसके लिए, तो यहां पर ये सब कुछ इंट ही रहेगा। जब दो आईडी जोड़ी जाएंगी तो ये क्या निकल के आएगा, रिजल्टिंग इसका इंट। अब अगर इधर तो इंट है, मींस सिनेरियो क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये y इंट है, ये z इंट है, दोनों को जोड़ा गया तो रिजल्टिंग है ये भी क्या है, इंट है। और इधर से इसकी इसका टाइप क्या था, इंट, इसका भी टाइप इंट था, दोनों मैच कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन कहां से पता चली, इंट कहां पर है, ये सिंबल टेबल में स्टोर है। अब दोनों इंट है एंड देयरफॉर देयर इज नो मिसमैच ऑफ टाइप। लेकिन अगर सपोज करो ऐसा होता कि ये एक्स कैरेक्टर टाइप का होता और इधर से ये इंट आता, तो यहां पर एरर जनरेट होती, क्या, सिमेंटिक एरर की टाइप मिसमैच है। ओके, इस तरीके से ये इसका मैचिंग होती है। यहां पर जैसे देख लीजिए, ये ए है, ए है, ए का टाइप इंट ही था, हमने सिंबल टेबल से नोट किया था। यहां पर भी इन दोनों का सिंबल टेबल से टाइप नोट किया था, इंट और इंट, ये यहां तक जाएगी, दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो भी रिजल्टिंग क्या होगा, इंट ही होगा। ये इधर इंट है, ये इधर इंट है, कोई मिसमैच नहीं होगा। और अल्टीमेटली रिजल्ट रखवाया जा रहा है यहां पर, तो ये भी इंट ही होगा, कोई इश्यू यहां तक नहीं है। इसके बाद जैसे देखिए, एस और एस डैश, एस प्रोड्यूसेस एस और एस डैश, तो यहां एस का कोई डेटा टाइप अब नहीं है, तो इसको क्या बोलेगा, इसको वॉइड बोलेगा। या यहां से एस एस डैश, इसका कोई डेटा टाइप नहीं है, वॉइड बोलेगा। या ओवरऑल जो स्टेटमेंट एस थी, इसका भी कोई डेटा टाइप नहीं है, तो इसको भी वॉइड बोलेगा। ओके, एंड नाउ द इनपुट फॉर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इज द annotated पार्स ट्री। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेशन स्कीम विल जनरेट द इंटरमीडिएट कोड्स। ओके, इंटरमीडिएट कोड्स के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि इंटरमीडिएट कोड कई तरह से लिखे जा सकते हैं, उनमें से थ्री एड्रेस कोड सबसे फेमस है और वाइडली यूज्ड है, तो हमने भी थ्री एड्रेस कोड की फॉर्मेट में इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। ओके, थ्री एड्रेस कोड का, इसका नाम थ्री एड्रेस कोड क्यों है, क्योंकि एट मैक्स एक इंस्ट्रक्शन थ्री एड्रेसेस यूज कर सकती है। ओके, इस वजह से इसका नाम थ्री एड्रेस कोड है। ओके, तो हमने इस कोड के रिस्पेक्टिव ये क्या कर दिया, थ्री एड्रेस कोड जनरेट करा दिया है। अच्छा, ये इंटरमीडिएट कोड यूज क्यों किया जाता है, इसका मींस बेनिफिट क्या है, तो देखते हैं। कहता है ये लेक्सिकलाइजर है, इसने अपना आउटपुट प्रोड्यूस किया, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर। कहता है सिमेंटिक एनालाइजर के बाद जो नेक्स्ट फेज है वो क्या है, वो है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की मींस फेज। कहता अगर ये आई आर इंटरमीडिएट फेज होती है तो उससे फायदा क्या मिलता है। कहता है इस कोड की वजह से आप अगर दो अलग अलग आर्किटेक्चर्स के लिए लो लेवल का कोड जनरेट कराना चाहते हैं, मींस इसके लिए अलग असेंबली लैंग्वेज का कोड है, आर्किटेक्चर है, और इसके लिए अलग आर्किटेक्चर है, तो इसके लिए अलग असेंबली कोड जनरेट होगा और इसके लिए अलग असेंबली कोड जनरेट होगा,
तो उस केस में कहता है कि अगर ये आईआर कोड होता है, मतलब इंटरमीडिएट कोड होता है, तो वो क्या होता है, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि आर्किटेक्चर क्या है। ओके, मींस जो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन इंस्ट्रक्शन के लिए आर्किटेक्चर वन में भी इनको ट्रांसलेट कर सकते हो, इनको आर्किटेक्चर टू में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, तो आपको अगर नया कंपाइलर बनाना हो तो आपको फिर ये यहां तक कोई कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है, इनका जो ऑलरेडी लिखा हुआ कंपाइलर का कोड है वो यूज कर लो, सिर्फ लास्ट की 2-3 फेजेस के लिए नया कोड लिख दो एंड यू विल गेट द न्यू कंपाइलर। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, यूज है। ओके, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट कोड ये हमारे प्रोग्राम के लिए जनरेट हो गया है, जो हमारा ये सोर्स प्रोग्राम था उसके लिए ये कोड है। ओके, यहां पर देखने वाली बात ये है, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो जैसे ये एक ए ग्रेटर देन बी था, तो ए ग्रेटर देन बी को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लिया गया। यहां पर ये तो ऑलरेडी दोनों इंस्ट्रक्शन 3 एड्रेस कोड में थी, क्यों, क्योंकि 3 ही एड्रेस यूज कर रही है, 1, 2, 3। अगर इसको देखें तो ये तो 2 ही एड्रेस यूज कर रही है। ओके, लेकिन है फॉर्मेट 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। अब यहां पर देखें, कहता इफ t1 इफ a इज ग्रेटर देन b गो टू लूप, तो गो टू लूप x मींस आपको वही फिर से पढ़ना है। यहां पर अगर a ग्रेटर देन b तो ये दोनों पढ़ना है, तो यहां पर भी आपको यही पढ़ना है, उसके बाद कंडीशन चेक करनी है। इफ कंडीशन, तो ये 3 एड्रेस कोड का फॉर्मेट है, डिटेल इसको देखेंगे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में। ओके, इसके बाद आईआर ऑप्टिमाइजेशन होता है, मींस इसका ऑप्टिमाइजेशन, जो ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है इसका ऑप्टिमाइजेशन। तो कहता है इसमें क्या करते हैं, अगर आप इसको देखें तो अगर इस लूप में ये इंस्ट्रक्शन को देखिए x इक्वल टू y प्लस z, अगर ये बार बार इस लूप की वजह से एग्जीक्यूट हो रही है, इसका कोई भी वेरिएबल इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा लूप में, मींस अगर ये वंस आप कैलकुलेट करके, वेरिएबल तो यूज हो रहा है x यहां पर, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, अगर इसको आप बाहर ही रख लें तो बार बार एग्जीक्यूशन नहीं करना पड़ेगा और हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम बच जाएगा। तो यही क्या किया गया, इस इंस्ट्रक्शन को बाहर रख दिया गया और लूप उसके नीचे से रख दिया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये इंस्ट्रक्शन जो बार बार कंप्यूट हो रही थी, अब आफ्टर आईआर ऑप्टिमाइजेशन आपको वो नहीं करना पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इनपुट इज कमिंग टू द कोड जनरेशन थिंग। ओके, और ये कोड जनरेशन क्या करेगा, असेंबली कोड जनरेट करेगा। हम जिस आर्किटेक्चर को टारगेट कर रहे हैं उसमें असेंबली कोड्स MIPS में हैं। ओके, MIPS में जो इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीका है वो एड सब SGT BEQ इस तरह से यूज किया जाता है। यहां पर अगर ये $1 करके, डॉलर का मतलब है रजिस्टर और वन का मतलब है रजिस्टर वन। ओके, तो मुझे इस चीज को असेंबली कोड में कन्वर्ट करना है। तो अगर देखें आप तो वाई और जेड क्या हो रहा है, सम हो रहा है और सम होके एक वेरिएबल में रखा जा रहा है। तो मैंने क्या किया है, वाई जेड को 2 और 3, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3 में रख लिया है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ऐड इन दोनों का मतलब है रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3 के कंटेंट को ऐड करो और 1 में इसको प्लेस करा दो, इसका मतलब ये है। ओके, इसके बाद ये लूप आ जाता है। तो ये लूप एक तरह का, ये लूप क्या है, टैग है, ये मींस यहां पर ये लूप बोलेगा तो ये यहां पर इस रेफरेंस पे आ जाएगा। ओके, a इक्वल टू x, a माइनस x है, तो x क्या था, x तो इसका सम था, मींस x क्या है, ये 1, रजिस्टर 1 का कंटेंट है। तो a मैंने कहां रखाया है, a रखाया रजिस्टर 4 में, तो रजिस्टर 4, ये रजिस्टर 4 और रजिस्टर 1 दोनों के कंटेंट 4 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो रिजल्ट होगा उसको किस में रखा देंगे, 4 में रखा देंगे। इसके बाद SGT क्या है, सेट ग्रेटर देन। SGT का मतलब क्या है, ये रजिस्टर 1 और रजिस्टर 4 और रजिस्टर 5 के कंटेंट को कंपेयर किया जाएगा। इफ रजिस्टर 4 का कंटेंट ग्रेटर देन रजिस्टर 5 का कंटेंट, तो रजिस्टर 6 इसमें क्या रख देना है, 1, एल्स इसमें क्या रख देना, 0। तो इसमें
अगर वन है, अगर यहां पर वन है तो ये क्या कहता है, ब्रांच ऑन इक्वल, अगर रजिस्टर सिक्स का कंटेंट वन के बराबर है तो लूप, इसका मतलब आपको यहां चले जाना है। और इसका मतलब है फोर इज ग्रेटर देन फाइव, इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है ओनली देन यू हैव टू लूप। तो इस तरह से ये लूप में चला गया और इसी प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आता है मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन। मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या किया गया है, जो ये दो इंस्ट्रक्शन हैं इनको मर्ज कर दिया गया है, उसके लिए एक नई इंस्ट्रक्शन आ गई है, ये BGT करके, ब्रांच ऑन ग्रेटर देन। BGT इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, यहां पर इसने क्या किया, रजिस्टर 4 और रजिस्टर 5 के कंटेंट को यहीं पर कंपेयर कर लिया, ओके। और कंपेयर करने के बाद ब्रांच ऑन ग्रेटर देन, कंपेयर करने के बाद अगर मींस कंपेयर करने में एक्चुअल में क्या करता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करता है, ओके। और अगर जो है क्या कहते हैं कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो सीधे ब्रांच कर देता, तो लूप तो ये यहां पर इस पे लेके चला जाएगा। तो अगर देखें आप, यहां पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा थी और यहां पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और रिड्यूस हो गई, तो इसको बोल रहे हैं मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन। और इस तरह से ये है एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए MIPS असेंबली कोड, ओके, एंड दैट्स डन।